सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। दिस इज़ द एपिसोड 3। हमारी बड़ी सारी रेडी हो चुकी है और ज़्यादा पैकिंग का वो दिखा नहीं पाया क्योंकि हमको हो रही थी लेट, और लेट के चक्कर से हर चीज़ें रह जाती है, आपको तो पता ही है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे सर चुके हैं और हमारे जो फ्रेंड्स हैं फेलो राइडर्स ही निकलेंगे कहीं और। तो भाई अब यहाँ से हम निकलेंगे, बताते हैं आपको सबसे पहले, और आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, हमारे को कल हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे तो दो बाइक और हमको ज्वाइन करी है, हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं लखनऊ से आए, उन्होंने हमारे साथ और राइड कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जाएंगे अपने बाइक को कराएंगे हम फ्यूल अप और उसके बाद दिखाएंगे आपको कुछ बढ़िया नज़ारे, तो आपको फुल ऑन मज़े आने वाले हैं आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग इज फुल ऑफ सीनिक व्यूज इन रीजन। रास्ते में जो जो आप चीज़ें दिखेगी आपको तो आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा सागर भाई लोग जो लेके आए एक एडवेंचर 250 और एक आई हमारे साथ अपाचे 160। चलिए आपको मार्केट दिखाते हैं उसको। अभी तक बाइक में लग चुका है मेरे ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर में, मान सकते हैं आप 2000 रुपये का पेट्रोल लग चुका है 500 किलोमीटर में, और अभी भी हमारा ऑलमोस्ट। सबसे पहले हमारा फ्यूल अप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो 390 और कैरी भी करना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि बीच में एक 300-350 का स्ट्रेच है जहाँ पे कोई फ्यूल नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले हम फ्यूल अप ही करवाएंगे। और बारिश का मौसम है उसकी वजह से देख सकते हो वैली व्यू तो यार बहुत ही बढ़िया है, बट बारिश की वजह से ज़्यादातर मज़ा किरकिरा हो चुका था हमारा कल। कल ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा किलोमीटर हम भीगते हुए राइड करके आए, तो फिर पता सर समझ सकते हो आप लोग कि कितना स्ट्रेसिंग रहा कल का दिन। बाकी आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए, तब तक हम पहुँचते हैं आगे थोड़ा और आगे। देख सकते हैं पैराशूट ही पैराशूट लोग घूम रहे हैं। तो ये है भैया मनाली की सोलान वैली बोलते हैं शादी से, तो इज इट डेट करना है पैराग्लाइडिंग। चलो चलो चलो, रुकना नहीं, चलो चलो हाँ, अब कहीं नहीं रुकना, अब सीधा हम रुकेंगे यहाँ पे। रोपवे भी है, रोपवे भी देख सकते हो आप लोग, बढ़िया है, मजे ले रहे हैं लोग पूरा पैराग्लाइडिंग। चलो चलो, अब आगे सीधा अटल टनल, अटल टनल मिलते हैं, अटल टनल। हमारा डे टू और आज हम मनाली टू जाएंगे सरचू, और सरचू काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, और वो है बिल्कुल रियल ऑफ रोड। और अभी हम यहाँ पे रुके थे, सामने बाइक खड़ी हैं और सब लोग खाना पीना खाएंगे, नाश्ता भी हम अभी ही हो रहे हैं। अरे यहाँ के कुछ नज़ारे काफ़ी बढ़िया, और सामने जितनी भी आपको हिमालयन वैली दिखती है सब लोग स्नोफॉल ऑलरेडी हो रहे हैं। पूरा मस्ती होने वाली है, बस बारिश ना हो।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, और यहाँ से पहले है भीड़, सही सही लेवल की भीड़ है। क्या करना है यहाँ पर, फोटो खिंचानी है क्या? चलो पूछते हैं हमें अपने बॉयज लोगों से। अरे यहाँ चल रही है जेसीबी की खुदाई। यहाँ से है एंट्रेंस, तो इट्स ऑल्टीट्यूड अराउंड 10,040 feet, तो बहुत ज़्यादा है ये। तो भाई हम अटल टनल पहुंच चुके हैं, और आपने तो देख लिया भैया, ये इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है, अराउंड 8.8 किलोमीटर आई गेस, सो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन करके बताइए। और ये देख सकते हैं यार, टनल बिल्कुल हाईली मॉडर्न, नहीं मॉडर्न बोल सकते हैं बिल्कुल। और ये सेकंड एंगल आप देख रहे होंगे हमारे इतन भाई के कैमरे से, तो भाई पूरा जो टनल है बिल्कुल बढ़िया है, कोई बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल 5-star फैसिलिटी है अपने टनल के कंपेयर में करोगे बाकी से, तो भाई लाइट वाइट सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल मैनेज्ड है, और स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर तो भाई 10/10। तो भाई इसने हमको पूरा रोहतांग पास में जो लोग जाते थे तो वहाँ का एक शॉर्टकट वे बनाया है टनल, तो इसका बहुत फ़ायदा है कि अराउंड हम एक लॉन्ग रूट से जाते थे लोग, तो इसको बनाकर जैसे कि विंटर्स में यहाँ काफ़ी लोकल्स को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती थी, तो भाई बारिश हो रही थी वहाँ बाहर। अभी स्टिल अब लेट्स सी बाहर निकल के यहाँ से दिखाते हैं आपको कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो भाई ओवरऑल यह टनल में स्पीड लिमिट भी आपको बोर्ड लगे रहेंगे हर जगह, तो आपको ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, तो भाई अपने फ्लो में चले, और उन्होंने 50-60 का स्पीड दे रखा है यहाँ पे, तो उस पर चलिए। तो ये भैया इतन भाई के कैमरे के कंसर्न सामने, टनल का एंड आ चुका है। और देखो भाई जैसे हम दूसरे कोने में निकले तो ऑलमोस्ट धूप है और हल्की हल्की बारिश यहाँ पे भी हो रही थी, बट कोई नहीं, हम रुक के यहाँ पे अपना रेनकोट वगैरह पहन लेंगे और करते हैं आगे की जर्नी स्टार्ट। भाई यहाँ पे देवे बिल्कुल ही खतरनाक रहे थे, काफ़ी फोटो शूट कर रहे हैं और भीड़ लगी हुई बिल्कुल मार्केट में, इतना बढ़िया अलग तरीके से। तो भैया अचानक से बारिश हुई और एकदम रुक गए, और अभी हमारी D390 ऐसी गंदी हो रखी है, और अटल टनल से आगे निकलते हुए और ले है यहाँ से 395 किलोमीटर जयपुर के लॉन्ग, अभी के लॉन्ग है नेक्स्ट स्टॉप हमारा 37 किलोमीटर। तो भाई जैसे अटल टनल क्रॉस करा तो भैया वादियाँ शुरू हैं, और देखो तो भैया यहाँ बड़ी तगड़ी बारिश हो रखी है, तो बारिश देखो पूरी रोड की लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको, बढ़िया सीधी बहुत तगड़ी हमारे शानदार पहाड़। बारिश नहीं होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट क्या करें बारिश है अभी, और बारिश होने की वजह से थोड़ा राइड का फन लड़कों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया, ऐसे तो आगे थोड़ी सी धूप भी नज़र आ रही है, बट यार ये छोटे छोटे पैच की धूप है, अभी देखेगा जो अच्छी धूप आएगी वहाँ से। हल्की सी बारिश नहीं,
यहाँ पे देख सकते हैं क्यूट क्यूट सी बकरियाँ, बहुत सारी सारी रेड बकरियाँ, छोटी छोटी सी काली पीली हरी, हर वैरायटी की बकरी मिलेगी आपको। बाल उठ रहे हैं हेलमेट पहन के, उठते ही जा रहे हैं। पीछे हमारे भाई लोग, पीछे व्यू, यहाँ पर हम रुके एक बार, हमने सोचा रिग्रुप कर लिया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए, और व्यू तो देख सकते हो आप पीछे। और देखो पीछे स्नो भी दिख रही है आपको, शायद पॉसिबल हो। तो ये जो आप रास्ता देख सकते हो जो नीचे जा रहा है ब्रिज से, ज़्यादा शिशु विलेज के लिए, उस वाटरफॉल आपको दिखाया है और एडवेंचर पार्क के लिए। तो भाई व्यू एकदम बढ़िया हो चुका था इस समय के लिए, तो ऊपर बादल देखो नीले, तो आसमान भी कोई क्लियर हो चुका था, तो इतना अच्छा सा लगने लगा कि चलो एटलीस्ट बारिश ख़त्म हो गई। और यहाँ पर देखो बढ़िया रोड भी स्टार्ट हो गई थी, तो भाई थोड़ा वोटिंग वगैरह देख के करनी पड़ती है हमें। तो कीलोंग जस्ट आ ही गया था, 1 या 2 किलोमीटर आ गया था, और यहाँ पर मिलेगा हमें हमारा लास्ट पेट्रोल पम्प, और जो पेट्रोल पम्प है उसके बाद सीधे 300 किलोमीटर का जो कैप आएगा वहाँ पे मिलेगा हमें अगला पेट्रोल स्टेशन। तो भाई यहाँ पे हम लेंगे कुछ एक्स्ट्रा जेरी कैंस, और हम अभी एक जगह रुक कर करेंगे अपना लंच में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और मिल चुका है हमें अपना ऑफ रोडिंग पैच भी, तो यहाँ पे अपना जैसे भी से चलेंगे आगे अपने कलर के। तो दीपक और यहाँ पे देखे अगर ब्रिज आ गए तो बस वाले ने हमें पास दे दिया कि पास दे के आप निकल सकते हो पहले, तो हम यहाँ से निकले। भैया रोड क्या लगता है अभी बहुत ख़राब हो रखी है, अगर गिर गए कीचड़ वीचड़ में तो हो गया काम, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, मिलते हैं आगे। बस जितनी जल्दी बैड सेक्शन में क्रॉस कर लो तो भैया बेटर रहेगा, तो गाड़ी आ रही थी तो सामान पास दे दिया मैंने, तो ताकि हम भी निकल लें फटाफट यहाँ से आगे। भाई एक्स्ट्रा जेरिकन अब कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये है यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप के लॉन्ग, और यहाँ पर ऐसा है नज़ारा कि सारे राइडर्स कर रहे हैं। तीस लीटर पेट्रोल हम कैरी कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी हालत हो रखी है ना, बाल बाल बनाए सुबह से, क्योंकि हेलमेट पहनना और पहनना तो बहुत बुरी हालत है। और चैनल पे नहीं है तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बस स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। और पीछे नज़ारा देख। हेलो, तो अभी हम लंच के लिए रुके हैं, लेट सी लंच के बाद क्या प्लान बनता है हमारा आगे, और मोस्ट प्रोबेबली वी आर ट्राइंग टू रीच टू सर्च यू एनी हाउ। अभी बचा है बस 100-110 किलोमीटर, तो यार हो जाएगा 2 घंटे में तो पॉसिबल है। तो भाइयों अब हो चुकी है बढ़िया रोड, अभी तक तो बहुत ही अच्छी रोड चल रही है यहाँ पर, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से जिस्पा की ओर, और मैं काफ़ी पीछे रह चुका हूँ यार, क्योंकि एक फ़ोन आ गया था और मैं पीछे ही था, तो उनको पता नहीं कि मिलने रुके होंगे कि नहीं, बाकी रास्ते में देखता हूँ मैं, जो भी होगा आपको बताता हूँ फिर, और व्यू का मज़ा ले लो आप लोग। व्यू का मज़ा लीजिए, और मनाली तक काफ़ी यार ये राइड वाइड जो भी है, इतने दिन का प्लान बना रहे तो आपको फिज़िकली ऐसा नहीं कि बाइक के साथ साथ में मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है, क्योंकि जो ये राइड है यार इट्स नॉट ईजी जॉब, 3-4 दिन तक घर से दूर, अपने कंफर्ट जोन से दूर, यू हैव टू एडजस्ट, जो भी मिल जाए यू हैव टू एडजस्ट। तो ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस है,
और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पुश करने का आपको मौका देती है, और क्या चाहिए। तो बस आराम से सेफली राइड करिए, और तब तक आप लैंडस्केप का मना लीजिए जब तक मैं उन तक पहुँचता हूँ। सचू इज़ ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स फार फ्रॉम वी आर वी राइट नाउ। सो अभी देखो 5:30 बज चुके हैं, इस समय हमें ऑलमोस्ट लाइक 50-60 किलोमीटर्स कवर कर लेना चाहिए था, बट अभी मैंने बताया कॉल आया था मेरे को मेरा पासपोर्ट रिलेटेड, तो उस चक्कर से थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो बताओ मैं इसीलिए अभी देखो अब हम पहुँचेंगे रात को अपना सरचू, वहाँ पे हमारा स्टे है एनी हाउ, और वहाँ पॉसिबल है मिल ही जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बस सूरज भी डूबने वाला, और सूरज डूबने के बाद हो जाएगी जी फाट ठंड, तो ठंड से ठंड होने से पहले हम पहुँचना चाहते हैं सरचू। तो गोप्रो में भी मेरे बैटरी वैसे कम ही है, और दूसरा गोप्रो भी हमने लगा रखा है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते, और सामने देखो भैया बर्फ, उधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, और ये जगह नेक्स्ट लेवल ही है, मस्त है, बढ़िया है, अच्छी। थोड़ी आवाज़ चल रही है, तो अभी वाइज़र डाउन करके चलेंगे जहाँ तक चल सकते हैं, उसके बाद तो वाइज़र अप करके ही चलना है रात को, अगर हम पहुँचे वहाँ लेट होती है। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं आज, सरचू तो पहुँचेंगे ही भाई लोग, बस थोड़ा लेट पहुँचेंगे मेरे को लग रहा है, भाई 5:30 मतलब 7 बजे से पहले तो मुश्किल ही हम पहुँच पाएंगे, फिर भी यार वैसे। तो भाई सामने देख सकते हैं आप, ये एक सुजुकी डिज़ायर है यूपी नंबर। तो भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बट स्टिल घर से वाइफ की ये ठुकी हुई बाइक कार को लेके जा रहे थे हमारे मिथन भाई की कार, बाइक भी कल स्लिप आउट हो गई थी, बट उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो हमने भी उसको लेके चला, हमने बोला कि वाई नॉट, कि कंप्लीट तो करनी है राइड, और राइड को ऐसा नहीं छोड़ सकते। और बाकी यहाँ के देखो सारे बुरा ही कलर नज़र आएगा आपको, ग्रीनरी है ही नहीं, तभी तो ऑक्सीजन लेवल कम है, क्योंकि पेड़ पौधे तो यहाँ होते ही नहीं, पेड़ देखने के लिए मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल। लेट्स सी आगे का क्या नज़ारा है, और क्या मज़े आती है आगे। सामने बस थोड़ी थोड़ी धूप और ठंड थोड़ी लगने लगी है, हाथों में फील हो रही है, क्योंकि जो ग्लव्स की लाइनर है वो साली पता नहीं कहाँ रह गई, और तो ग्लव्स पूरा लद्दाख साथ देंगे, और जैसे भी थोड़ा ठंड पड़ेगा, मेरे को विंटर वाले ही पड़े तो मैं उनको डाल दूँगा। हाई ऑफ रोडिंग हो चुका है स्टार्ट, ठंड हो रही है और फॉग भी जमने लगा है अब तो। और ये हमारी पहली सी क्यूट सी वाटर क्रॉसिंग, देख सकते हैं यार वीडियो गजब मज़ेदार। तो भाई ये है वाटर क्रॉसिंग, ओहो बस ठंडा ठंडा पानी ने लगे,
हमें किसी लोगों ने रोका है। क्या हो गया? अरे मैं अभी 15 किलोमीटर पे मैकेनिक, तो भैया आपको सीधे अभी मनाली मिल पाएगा, बिना मनाली के नहीं पहुंच पाएंगे आप, क्योंकि सारे मैकेनिक वही हैं, वहाँ शोरूम भी है बजाज के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी गए थे जब बजे, क्या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, उसको टूट के एक अटैच करेंगे तो हो सकता है, तो कुछ देखो दिमाग भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे कोई भाई लोग, इनका चेन ही टूट गया है। निकल के एक दो कड़ी निकल के बैठ जाएगा, लूज हुआ था। एक लूज हुआ था तो एक टूट गया, गाड़ी साइड लगी, तोड़ के गाड़ी साइड में ले लेना। ये लॉक वाला चेन है या फिर सिंगल वाला है? लॉक वाला, लॉक वाला है। अबे इसका तो फिर का ही जुगाड़ हो पाएगा, अभी बिना चेन के तो कैसे जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। दस किलोमीटर तक हो जाएगा ना? हाँ, 10 किलोमीटर नीचे वो है, मतलब रस्सी तो नहीं है हम पैक, रस्सी था तो सामान सुमान दी हमने बस। रस्सी है क्या? रस्सी मिलेगी तो हमारा हो जाएगा। रस्सी है क्या आपके पास? नहीं है। देखो बीच में से बेंड हो गए। दस किलोमीटर आगे कुछ है क्या? रस्सी से होगा तो फिर टो करके लेके जानी पड़ेगी। टो करके वहीं पे जाके जाने, मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा। हां ठीक है, ठीक कर जाएगा। वही कर, वही करना पड़ेगा फिर। नहीं है, कम नहीं है। या तो ऐसा करो, इस पे सारा सामान दूसरी बाइक को शिफ्ट करो, और ये जो बंजी वंजी कॉर्ड है ना, इन्हीं से कुछ जुगाड़ करके आप पहुंच जाओ, क्योंकि आगे के टाइम आधे टाइम बाद ढलान है। हाँ बस यही, हाँ पूरी ढलान है, तो चेन ऐसे करो। हाँ एक काम करे, चेन को निकाल के चेन को बांध दे बाइक को। हाँ चेन का ये सही है, चेन को निकाल दो, वो तो बस एक साइड साइड का है ऐसा, देख दर्द हो सकता है, उसको निकाल के बांध देंगे आगे साइड इसको। अरे कैसे रुके, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लौट के लेके जाएंगे। चलो निदान दे, तुझे पहले बंजी पड़ दो, बंजी पड़ने का सब जो लगाए तुमने जगह ताने से ये हो गया है, इसको तोड़ ही दो पत्थर से, अब तो किसी काम ही का नहीं है। पत्थर से ट्राई करें यार? नहीं नहीं हो जाएगा, देखो गाड़ी वहाँ पे लगा देंगे। नहीं अगर इसे तोड़ दोगे ना, तब तो निकल जाएगी चेन। चेन निकलने के बाद क्या करेगा? ठीक है हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू, चलो कोई नहीं, पहुँच जाओ सेफली आप लोग। हाँ जी क्या 60 है।